हेलो फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग झूले में आ गए और यहाँ पे बैठे हुए हैं और धीरे धीरे बर्थडे के दिन सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। इधर देख सकते हैं दीक्षा दीदी ऊपर हुआ, अब मम्मी अंशिका दीदी एक लाइन में और मैं दीपांशु साइड में। ये जब झूला चल रहा था ना तो धीरे धीरे हम लोग को इतना ज़्यादा डर लगने लगा कि मैं बोला झूला रुको, लेकिन दीपांशु भैया बोले एकदम टाइट बैठ जाओ, डर नहीं लगेगा। लेकिन डर अंदर से बहुत लगा था, हम लोग बहुत चिल्ला भी रहे थे। हाँ, इधर देख सकते हैं सभी लोग, और इधर जो दो दादा लोग बैठे उन लोगों को तो कोई जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, एकदम आराम से बैठे हुए थे। और डर जैसे बहुत लग रहा था अंदर, ऐसा झूला था ये। तो जो जो नहीं बैठा है और जिसको डर लगता हो तो भाई बैठे ना, वरना उसकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। और हम लोग तो बैठे हैं, हम लोग को पता है कैसे हम लोग वो पूरा किए हैं। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। और इधर देख सकते हैं आप लोग, इधर आरओ और दिव्या दोनों जन बैठ के ये ट्रेन वाले में झूले हैं। आरओ जंपिंग जपान पे भी झूला था और ये ट्रेन वाले में भी झूला है। तो फैमिली यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं अब रेस्टोरेंट में। और क्या है कि केक कटने का टाइम भी हो गया है, 9 बज रहे थे रात के। रेड चिली में आए हैं और इधर अंदर का देख सकते हैं कितना अच्छा सब है। होटल ये जौनपुर में है, सभी लोग जो जो जौनपुर के रेड चिली में एक बार ज़रूर आए। और साथ ही साथ जो हम लोग को सर्व कर रहे थे वेटर, यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा सारा है। अभी सीट खाली नहीं है तो बाद में देखिए। और इधर देख सकते हैं सभी लोग को, हम लोग सभी लोग को छोड़ के उधर इधर आ गए हैं जौनपुर बेकर्स में केक लेने। मैं दीक्षा दीदी और दीपांशु भैया इधर आए थे केक लेने, देख सकते हैं। और केक जैसा जो अच्छा लगे, ब्लैक फॉरेस्ट पूछे थे तो वो है नहीं, अब देखते हैं कौन सा लेते हैं, जो अच्छा लगे वो ले लेंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला केक थोड़ा ठीक लगा हम लोग को, तो ये वाला लिए हैं। और दीक्षा दीदी बोल रही थी ये भी ठीक है, तो अब ये लेके हम लोग जब होटल में जाएंगे तो आपसे मुलाकात करते। तो बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर फैमिली देखिए इधर केक लेके आ गए हैं और सब लोग इधर देखिए बैठ गए हैं। और इधर मैं भी हूँ, आरो भी है, दिख रहा है, दीदी है। ऑर्डर दे देते हैं, ऑर्डर हाँ अभी ऑर्डर हम लोग कर रहे हैं, तब तक केक काट रहे हैं, ऑर्डर हो जाएगा। तो बर्थडे बॉयज भाई इधर है, सब लोग बर्थडे बॉयज से मिल लीजिए, अब आ गए हैं सब लोग। तो बोलिए आप लोग का क्या ऑर्डर है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। इधर देखिए हम लोग ऑर्डर कर दिए हैं खाना का, तब तक सोच रहे हैं केक काट लें। और जानते हैं बाहर निकलो थोड़ा सादगी से ही मनाते हैं। और ये रहा केक, और इधर दीक्षा केक खोल रही है। आप अपने बना लो, हम नहीं जाने थे इस साल का बर्थडे आर्यन का इतने अच्छे से मनाया जाएगा। आप अपने में डाल देना, मैं डाउनलोड कर लूंगा। जैसे शॉर्ट रील्स होता है ना, हाँ बच्चे सबको ऐसे सबका फेस दिखा देना था। एक आ गया है इसको साइड रख लो, हाँ साइड रख दो। तो इधर देखिए केक आ गया है, आर्यन इधर बैठा हुआ है, इसको हटाओ, एक साइड यही रख। इधर पूरा रेडी हो गया है केक काटने का। और इसी बीच और काफ़ी बड़ा ये कैंडल मिल गया है। माचिस नहीं है, माचिस के लिए अच्छा वेटर से बोले हैं लेके आने के लिए, माचिस लेने गए हैं। सब लोग सेल्फी खींचने में लग गए हैं। ये चलो Happy birthday to you. इधर देखिए केक कट गया है। और आर्यन देखिए सबसे पहले अपनी बुआ को खिला रहा है। हाँ क्या हुआ, खाओ 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 बाबू।
इधर इधर देखे अपने बुआ को खिलाने जा रहा है। सब एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। ये देखिए एक भाई और एक बहन को केक खिला रहे हैं। कितने ये लोग हैप्पी हैं कि इस साल का बर्थडे सेलिब्रेट आर्यन ने अपने भाइयों बहनों के साथ सेलिब्रेट किया है, वो भी बुआ के घर पे आके। अरे तुम भी जाओ आरो। ये इधर देखिए आरो आर्यन को चॉकलेट खिला रहे हैं। आरो को चॉकलेट क्या है मामी की।